रीवा सिरमौर मार्ग में बीती रात दो मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ी, दो की मौत, तीन घायल। मोटरसाइकिल चालक रीवा से सिरमौर जा रहे थे, दूसरी मोटरसाइकिल सिरमौर से रीवा आ रही थी। विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ियां रॉन्ग साइड में टकरा गईं और ये एक्सीडेंट हो गया। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में दो की मौत हो गई, तीन घायल हो गए। एक मोटरसाइकिल में चार लोग थे, एक में एक। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है। वहीं मृतकों का शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया था। शव लेकर परिजन अपने गांव की ओर रवाना हो गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमने परिजनों से बात की, आइए आपको सुनाते हैं एक्सीडेंट को लेकर उनका क्या कुछ कहना था। सरकार सिंह परिहार। क्या घटना हुई है? घटना एक्सीडेंट हुई है मोटरसाइकिल से, रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, प्रकाश सिंह परिहार नाम है। रीवा से ड्यूटी करके वापस जा रहा था गांव, सगरा के आसपास कहीं। थर्ड पर्सन में चार लोग थे बाइक में, एक बाइक में चार लोग थे। रॉन्ग साइड आकर के उसको मार दी, पड़कर घटनास्थल में गिर गए। घटनास्थल में मौत हो गया, ऐसी जानकारी मिली है। आपके भतीजे अकेले थे? अकेला था। सेकंड मोटरसाइकिल? चार लोग। उन लोगों में एक की मृत्यु हो गई है, तीन लोग चोट हैं, उनकी छुट्टी हो गई है। लगभग 10 बजे रात में एक्सीडेंट हुआ है। ये एक जा रहे थे रीवा से सिरमौर, रीवा से घर जा रहे थे, और एक सिरमौर से रीवा आ रहे थे। ये दोनों आपस में भिड़ गए हैं, दोनों में से एक आदमी ख़त्म हो गया। मृतक का एक नाम है प्रकाश सिंह, शनाख हरि गोविंद सिंह, उम्र 31 साल, निवासी लहुआ लक्ष्मणपुर। और एक का है नाम अमित कोल, पिता है स्वर्गीय श्री ललुआ कोल। ये घटना हुई है, ये रीवा सिरमौर रोड में सगरा थाना क्षेत्र में रामसुआ के होटल के सामने। कितने लोग खत्म हुए हैं, कितने लोग घायल हुए? दो लोग खत्म हुए हैं, तीन लोगों को सामान्य चोट आई है, जिनकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। प्रकाश सिंह अपनी मोटरसाइकिल में अकेले घर जा रहे थे रीवा से, और वो लोग उधर से जो है वो लोग आ रहे हैं। छोटे लाल घटना क्या हुई है? घटना साहब एक्सीडेंट हो गया। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? सगरा में हुआ। कहाँ से हुआ एक्सीडेंट? अब वो मोटरसाइकिल से मैं भाग हुई। मोटरसाइकिल से कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी रीवा आए रहे हैं तो साहब जो रह नहीं क्या बता सके। मृतक आपको कौन लगे? मृतक कौन लगे? भाई ने। भाई ने? हाँ। कितने बजे घटना है? ऐसे 8-9 बजे थे। बाइक में कितने लोग सवार? बाइक में कितने लोग सवार थे? हाँ। एक मोटरसाइकिल में कितने लोग थे? अब हम साहब नहीं रहे तो नहीं बता सके कहाँ है। अमित रावत, पिता का नाम ललुआ। आप तो कह रहा हूँ
ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।